हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग जानने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। ठीक है, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जाना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जाना। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में क्या पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मोशन में लाने के लिए या उसके पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे सपोज कोई बॉक्स है, मान लेते हैं एक बॉक्स है, अगर मुझे बॉक्स क्या रेस्ट में है, राइट, और क्या हुआ कि मैंने इसको खिसकाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें फोर्स लगाएंगे। ठीक है, फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, अपना प्लेस को चेंज करेगा। यही हम लोगों ने पढ़ा ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, अगर सपोज किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अगर लगाते हैं तो वो अपना पोजीशन चेंज करता है। ठीक है, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगाते हैं, राइट, तो वो ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, हमारे ऊपर सेम फोर्स लगाता है। ठीक है ना, जैसे इसका बहुत सारे एग्जांपल आपने देखा होगा। सपोज अगर कोई बॉल है, टेनिस बॉल या कोई भी क्रिकेट वाला बॉल है, अगर उसको हम दीवार पे हिट करते हैं, सपोज वॉल पे हिट करते हैं, तो अगर धीरे से हिट करेंगे तो क्या होगा, धीरे से अगर मारेंगे तो बॉल टकरा के उतना दूर नहीं आता है, नहीं आता है ना। लेकिन अब जोर से अगर हिट करें, ज़्यादा फोर्स लगा के हम दीवार पे मारें, तो जितना ज़्यादा ज़ोर से हम फोर्स लगाते हैं उतना ही ज़्यादा क्या होता है, उतना ही ज़्यादा स्पीड में वो दीवार से स्ट्राइक होने के बाद बॉल मेरे पास आता है टकराने के बाद, होता है ना। अगर धीरे से फेंकते हैं तो नहीं आता है मेरे पास, और ज़ोर से मारते हैं तो क्या होता है, आता है हमारे पास, ऐसा होता है, देखा होगा। ठीक है ना, बहुत सारा और एग्जांपल हम लोग डेली लाइफ में होता है। जैसे कि सपोज सबसे नॉर्मल से एग्जांपल है, जैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे सपोज मैं रेस्ट में हूँ अभी, ठीक है, मैंने जैसे क्या किया, चलना शुरू किया, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना पैर को रखूँगा ज़मीन पर, फ्लोर पर, ठीक है ना। और जैसे ही मैं अपना पैर को फ्लोर पर रखूँगा तो क्या होगा, उसके बाद मैं क्या कर पाऊँगा, एक्सेलरेट कर पाऊँगा। ठीक है ना, मतलब ये सेकंड लॉ है कि जैसे मुझे एक्सेलरेट करना है तो मैंने क्या किया, पहले अपना ज़मीन पे मैंने फोर्स लगाया, तब जाके मैंने क्या किया, एक्सेलरेट किया। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेट क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जितना फोर्स हम क्या कर रहे हैं, फ्लोर पे लगा रहे हैं अपने पैर से, अपने फीट से, सेम वही फोर्स क्या कर रहा है, जो फ्लोर है, ठीक है, वो क्या लगा रहा है, मेरे फीट पे लगा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, एक फोर्स को हम लोग बोलते हैं एक्शन और दूसरे फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। ठीक है, एक्शन का मतलब क्या होता है कि जिस फोर्स को मैं लगा रहा हूँ, सपोज मेरे पास बॉल है, मैंने क्या किया कि फोर्स लगाया और बॉल को मैंने दीवार पे मारा, ठीक है, तो वो क्या था, एक्शन था फोर्स का। अब क्या होगा, उसका रिएक्शन कौन देगा, उसका रिएक्शन वो बॉल देगा। जितना ज़्यादा मैंने उस पर फोर्स लगाया दीवार पर, जैसे वो टकराया, टकराने के बाद फिर एक फोर्स लगाएगा वो और वापस हमारे तरफ आएगा, आता है ना। तो जो फोर्स मैंने लगाया बॉल में वो क्या है, एक्शन है, और जो फोर्स बॉल ने लगाया वो क्या है, रिएक्शन है। जो फोर्स मैंने लगाया फ्लोर पे अपने फीट से वो क्या है, एक्शन है, और जो फोर्स किसने लगाया, फ्लोर ने लगाया, मेरे पैर पे लगाया, वो क्या है, वो रिएक्शन है। समझ में आया बात? तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। एक्शन रिएक्शन दोनों क्या है, फोर्स है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमारे ऊपर वही फोर्स लगाता है, एक्शन एंड रिएक्शन उसको हम लोग बोलते हैं। समझ में आया बात? तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना ज़्यादा हम एक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, उतना ही हमें क्या होगा, वापस मिलेगा, होता है ना ऐसा। ठीक है ना, जितना ज़्यादा हम फुटबॉल को किक करेंगे, जितना ज़्यादा जोर से, उतना ही जोर क्या होगा, वही कहीं से टकरा के वापस हमारे पास आएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एक्शन भी एक फोर्स है और रिएक्शन भी क्या, एक फोर्स है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? पहला ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो एक्शन कर रहा है, जो फोर्स लगा रहा है, राइट, और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो रिएक्शन कर रहा है, मतलब उस फोर्स के बदले वो एक और फोर्स लगा रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड वाला। समझ में आया बात? तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सपोज एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है गन का। ठीक है ना, गन देखा आप लोगों ने, देखा होगा सबने। ठीक है, क्या होता है गन में, कि गन से जब हम लोग बुलेट फायर करते हैं, ठीक है ना, गन से जैसे ही क्या किया मैंने, बुलेट फायर किया, तो बुलेट क्या हुआ, आगे की तरफ जाता है, ऐसे जाता है ना। सपोज ये बुलेट है गन का, तो ये क्या हुआ, आगे की तरफ जाता है। लेकिन ये बुलेट आगे की तरफ जैसे ही गया तो वही क्या करता है, एक और फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो बुलेट क्या है, एक्शन है।
ये क्या है? एक्शन है, राइट। और जैसे ही बुलेट आगे जा रहा है तो गन के तरफ भी एक पीछे की तरफ फोर्स लगता है, जो क्या है? रिएक्शन है। समझ में आ रही है बात? जिसको हम लोग जर्क लगता है, जर्क लगता है ना, जैसे कोई शूट करता है गन, जैसे ही मारता है तो क्या होता है, बुलेट आगे जाता है और झटका पीछे की तरफ लगता है, लगता है ना। तो वो झटका जो मुझे लगता है, मैं उसको क्या बोलता हूँ? मैं उसको बोलता हूँ रिकॉयल फोर्स या रिकॉयल वेलोसिटी, ठीक है। और आगे की तरफ जो गया वो क्या है? एक्शन। और गन जो पीछे की तरफ गया वो क्या है? रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? बुलेट ऐसे जाएगा और गन किस डायरेक्शन में झटका लेगा? रिकॉयल करेगा पीछे के डायरेक्शन में। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? रिकॉयल फोर्स ऑफ द गन। समझ में आ रही है बात? रिकॉयल फोर्स ऑफ द गन। तो ये किस कॉन्सेप्ट पे है? ये किस कॉन्सेप्ट पे है कि फॉरवर्ड फोर्स ऑन बुलेट एंड रिकॉयल ऑफ द गन। मतलब फॉरवर्ड फोर्स क्या है? एक्शन है, जो फोर्स बुलेट आगे तरफ लगा रहा है। और रिकॉयल ऑफ द गन क्या? रिएक्शन है, जो पीछे की तरफ लग रहा है। तो ये क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। उसके बाद और एग्जांपल एक है यहाँ पे। सपोज अगर एक सेलर है, ठीक है, सेलर क्या कर रहा है? ये अपने शिप से क्या कर रहा है? उतर रहा है, ठीक है ना। तो क्या होता है, शिप कहाँ पे है इसका? इसका शिप अभी कहाँ है? बोट कहाँ है? अभी पानी में है, ठीक है। तो जैसे ही क्या होता है कि जैसे ही वो अपना बोट पे पैर रखेगा, ठीक है ना, जैसे ही अपना बोट पे पैर रखेगा तो क्या होगा कि वो उसका जो लेग है वो क्या कर रहा है? उसका लेग किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है? इस डायरेक्शन में लगा रहा है। वो उसको आगे जाना है ना, राइट। तो ये आगे वाला डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ये जो बोट होगा ये क्या होगा? ये पीछे का डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? मैनेज कर देगा, ठीक है। एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, पता है आपको। तो ये एक दूसरे को मैनेज कर देगा, इसीलिए क्या होता है कि वो जो सेलर है वो ऊपर आ पाता है यहाँ तक, ठीक है। अगर ये बोट फोर्स नहीं लगा रहा होता तो क्या होता उस केस में, बताइए? जैसे ही वो पैर रखता है इसके ऊपर तो वो क्या होता कि वो पानी के नीचे गिर जाता, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, इधर लगा रही है, इधर लगा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? यहाँ पे बैलेंस हो रहा है वो। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं ना। सपोज जो सेलर होता है, जो नाव चलाता है, ठीक है, उसका जो ओर होता है, चप्पू जिसको बोलते हैं, जिससे वो क्या करता है, इस तरह से अपना पीछे की तरफ उसको जब मारता है चप्पू को, तो क्या होता है कि वो जो फोर्स है ओर जो है वो आगे की तरफ फोर्स लगाता है, जिसके कारण क्या होता है, बोट जो होता है, शिप जो होता है, आगे की तरफ मूव होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो वैसा ही एक एक्सपेरिमेंट आपके बुक में, एनसीईआरटी वाले बुक में दिया है, सिमिलरली न्यूटन्स थर्ड लॉ को समझने के लिए, ठीक है। वो क्या है? स्प्रिंग बैलेंस वाला एक्सपेरिमेंट, राइट। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट आप जो देख रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही फोर्स क्या होगा? लगेगा। जितना एक्शन हम देंगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा। कैसे? तो यहाँ पे उसने क्या किया कि उसने ले लिया स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस पता है क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस जिसमें हम लोग किसी चीज़ का वेट नापते हैं, राइट। स्प्रिंग लगा हुआ होता है, उसमें फंसाते हैं और वेट नापते हैं। सिलेंडर वगैरह शॉप में आपने देखा होगा, सिलेंडर जहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया कि उसने क्या किया कि स्प्रिंग बैलेंस लिया दो, और एक स्प्रिंग बैलेंस को क्या किया कि वॉल्व के थ्रू यहाँ से फिक्स कर दिया, ठीक है ना। और दूसरे स्प्रिंग बैलेंस को क्या किया कि इसमें हुक जो लगा हुआ होता है उसमें दूसरे स्प्रिंग बैलेंस को फंसाया और उसने यहाँ से फोर्स लगाया, ठीक है। जब उसने जैसे ही इसको खींचा तो क्या होता है कि स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग्स होता है ना, पता है आप लोग, उसी से पता चलता है किसी चीज़ का वेट। तो जैसे ही उसको खींचेंगे वहाँ से पीछे की तरफ तो क्या होगा कि दोनों स्प्रिंग बैलेंस में सेम रीडिंग दिखाएगा, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि जिस फोर्स से मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्रिंग बैलेंस को अपने तरफ खींच रहा हूँ, अपने तरफ पुल कर रहा हूँ, सेम फोर्स कौन लगा रहा है? वॉल भी लगा रहा है। समझ में आया बात? मतलब कि ये वाला स्प्रिंग बैलेंस जो है, जितना फोर्स मैं इसको इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, सिमिलरली ये वाला स्प्रिंग बैलेंस क्या कर रहा है? सेम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या होता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है हमेशा, और एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो इसी तरह से न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जांपल हम लोग बहुत सारे डेली लाइफ में देखते हैं। अगर आप लोग भी चाहें तो अपने चारों तरफ अगर देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मिलता है ना, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है, बॉल जब हमारे पास आता है तो हम अपने तरफ से जितना जोर से फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, बॉल भी क्या होता है हमारे तरफ उतना ही जोर से फोर्स लगाता है। इसीलिए हम जब ज़्यादा जोर से शॉट मारते हैं तो हम लोग को थोड़ा साउंड भी सुनाई देता है, होता है ना ऐसा, ठीक है। तो इसके अलावा भी क्या है, बहुत सारे डेली लाइफ में एग्जांपल देखने को मिलता है हम लोग को, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने क्या जाना बच्चों, आज के सेशन में हमने जाना कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक्सपेरिमेंट्स और एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा।
तो होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरीज हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखे। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।